तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि यूपी के शामली में शराबियों ने मस्जिद में घुसकर की तोड़फोड़, मौलाना के साथ की गाली गलौज, रखी कुरान शरीफों को भी फाड़ा बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की स्वतंत्रता दिवस को लेकर आरएसएस की देश में हुई बड़ी हार। आरएसएस ने आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद पहली बार अपने मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, वीडियो भी किया जा विपक्ष की देश में हुई बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के जलौर में भगवा ध्वज फाड़ने से तनावपूर्ण माहौल, विधायक ने की कार्रवाई की मांग, 3 युवक गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा तीसरा बड़ा झटका, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, पुलिस का एक जवान शहीद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आमिर के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान का वॉयकॉट करना हिंदूवादी संगठनों को पड़ा भारी, मिली जान से मारने की धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर से बनेगी शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार, उद्धव ठाकरे ने किया दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के शामली में शराबियों ने मस्जिद में घुसकर की तोड़फोड़, मौलाना को दी गाली, दीवार पर लगे पर्दे भी फाड़े। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में कुछ हिंदूवादी अराजक तत्वों ने शांति भंग करने की स्वतंत्रता दिवस पर कोशिश की। दरअसल आपको बता दें कि शराबियों ने जबरदस्ती मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की, मौलाना के साथ गाली गलौज की और दीवार पर लगे पर्दे और कुरान शरीफ को भी फाड़ दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई। दरअसल आपको बता दें कि तभी लोग की भीड़ को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गए, इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के मनिहारन मोहल्ले की मस्जिद की है, जहाँ पर रात के समय 3 अज्ञात युवक शराब के नशे में धुत होकर मस्जिद पहुंचे। मस्जिद में मौजूदा लोगों के द्वारा जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो वहीं गाली गलौज के बाद हुए विवाद को लेकर उत्पात मचना शुरू हो गया। दूसरी ओर मौके पर भीड़ जमा होते देख वो वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि तीनों शराबी आरोपी वाल्मीकि समाज से हैं। वहीं इस मौके पर मौजूदा युवक नसीम का कहना है कि 3 युवकों ने गाली गलौज करके हमारे साथ जो है बदतमीजी की और मस्जिद में लगे पर्दे फाड़ दिए, कपड़े और बर्तन इधर उधर फेंकने लगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ये हिंदूवादी संगठनों के नेताओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर विपक्ष की हुई बड़ी जीत, हार गई आरएसएस। आरएसएस ने मजबूरी में अपने मुख्यालय पर पहली बार फहराया तिरंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आरएसएस आज विपक्ष से देश में हार गई। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा यात्रा को लेकर आज विपक्ष की देश में बड़ी जीत हुई है और आरएसएस की हार हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस ने आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया है और इसका वीडियो मोहन भागवत ने जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के दौरान हर घर तिरंगा अभियान को चलाने के लिए देश की जनता से अपील की थी और कहा था कि प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाए और तिरंगा यात्रा निकाले। लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान के बाद भी आरएसएस ने अपनी डीपी और अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया था। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद विपक्ष के विरोध के सामने आरएसएस नतमस्तक हुआ और आरएसएस ने आखिरकार आज अपने मुख्यालय पर आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद पहली बार तिरंगा फहराया है और भगवा झंडा हटा लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि विपक्ष की आज बड़ी जीत देश में हुई है और जो है आरएसएस की हार हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, पुलिस का एक जवान शहीद। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के किमोह में बीती रात आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला सेना पर किया। इस आतंकी हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। जवान की पहचान ताहिर खान के रूप में हुई है, वह पुंछ जिले के मेंढर का रहने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जब जवान पर हमला किया गया था तो उसे अनंतनाग स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चला था और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिस तरह से आतंकियों ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इस घटना को अंजाम दिया है, उससे साफ होता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है बड़ा आतंकी हमला देश में हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की पठान का वायकट करना पड़ा भारी, सीएम के गुरु भाई साधु देवनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन फिल्म का बहिष्कार करने के बाद अब एक समूह ने सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक शाहरुख खान की पठान को बहिष्कार करने के लिए कहा है।
कच्छ साधु समाज के अध्यक्ष ने शुक्रवार को दावा किया कि शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान का बहिष्कार करने के लिए सनातनियों से अपील करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई साधु देवनाथ जल्द ही शाहरुख खान के पठान का बहिष्कार करने के लिए सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान के फैन इस देश में हैं, लेकिन शाहरुख खान पाकिस्तान मुसलमानों की बात करता है और हिंदुओं की बात नहीं करता है। इसलिए शाहरुख खान की फिल्म जो पठान आ रही है, जो रिलीज होगी, उसका हम बहिष्कार करेंगे और हिंदू समाज से इस फिल्म का बहिष्कार करने की बात कहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन शाहरुख आमिर सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के जलौर में भगवा ध्वज फाड़ने से तनावपूर्ण माहौल, विधायक ने की कार्रवाई की मांग, 3 युवक गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर में शनिवार को भगवा झंडा फाड़ने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के बाद आरोपियों पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप भी लगे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन घटना के विरोध में उतर आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समुदाय विशेष के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जालौर के SP हर्षवर्धन अग्रवाल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक जालौर के अस्पताल चौराहे पर लगे भगवा झंडे को कुछ मुस्लिम युवकों ने फाड़ दिया। इसके बाद क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने झंडा फाड़ने की घटना के दौरान आरोपियों की ओर से देश विरोधी नारे लगाने का आरोप भी लगाया, साथ ही देशद्रोह का प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस ने एक मुस्लिम आरोपी को मौके से ही दबोच लिया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भगवा झंडा फाड़ने पर किस तरह से देशद्रोह का मुकदमा इन मुस्लिम बच्चों पर लगाया जा रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया प्रियंका के बाद राहुल गांधी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से अपने पांव पसार रहा है। अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। राहुल गांधी की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए हैं। राहुल गांधी के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्व CM अखिलेश यादव ने तिरंगा अभियान पर उठाया सवाल, अयोध्या के महापौर पर बोला हमला। यह दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा के तिरंगा अभियान पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री और अपमान किया जा रहा है। ये ध्वज जहां करोड़ों भारतीयों के लिए आन बान शान का प्रतीक है, वहीं भाजपाओं के लिए ये बेचने का सामान है। वहीं रामनगरी में तिरंगे के अपमान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट को महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने तुच्छ राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगे पर भी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव BJP की तिरंगा यात्रा से खुश नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक बार फिर से शिवसेना की बनेगी महाराष्ट्र में सरकार, उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मार्मिक पत्रिका के 62 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने इस संबोधन में कहा कि देश को आज़ाद हुए जब 13 साल हुए थे, तब मार्मिक पत्रिका की शुरुआत हुई थी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मार्मिक पत्रिका की शुरुआत बाला साहेब ठाकरे ने साल 1960 में चाचा और दादा के साथ मिलकर की थी। तब हमें आज़ादी मिले 13 साल हुए थे और आज हम 75 साल मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मार्मिक पत्रिका की 62वीं वर्षगांठ है और मेरी उम्र भी 62 साल की है। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और BJP पर कड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना की सरकार बनेगी, जिसकी शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में पहले मैं शिवसेना प्रमुख था, फिर मुख्यमंत्री बना और अब एक बार फिर राज्य में शिवसेना की सरकार बनने की शुरुआत हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीकांत त्यागी को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा। यह दोस्तों आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के मामले में ग्रेटर नोएडा स्थित लुक्सर जेल में बंद श्रीकांत त्यागी को लेकर कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ये भी पता चला है कि पुलिस के साथ साथ नोएडा प्राधिकरण में उसकी तूती बोलती थी। ये भी पता चला है कि श्रीकांत त्यागी बड़ी तेजी से अपना रसूख नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ाने लगा था। इसके चलते स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहस चुभने लगा था और ये भी डर सता रहा था उन्हें कि कहीं उन पर वो हावी न हो जाए। भाई आपको बता दें कि सत्ता में रसूख के चलते श्रीकांत त्यागी को भी कई जगह VIP ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी तूती नोएडा प्राधिकरण में बोलती थी। सूत्रों का दावा है कि उसने जिले के तीनों प्राधिकरण में कई लोगों को जमीन आवंटित कराई। वहीं आपको बता दें कि उसके दबदबे को देखते हुए BJP नेता बुरी तरह से बौखलाए हुए थे और वो श्रीकांत त्यागी से नाराज थे।
और बीजेपी नेताओं ने मिलकर श्रीकांत ताई को जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाई है। यानी बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी नेता श्रीकांत ताई को ही जेल भिजवा दिया, जिससे कि आगे ये बढ़ ना सके और इसका काम यहीं पर तमाम हो जाती है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी नेताओं ने ही अपने नेता श्रीकांत ताई को फंसाया।